सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बकरी को बरसात में उसका शेड हम कैसे रखें, शेड में उसको कैसे हम बकरी को रखें। आज का हमारा टॉपिक है बकरी को बरसात के मौसम में शेड में कैसे हम रखें। चलिए आगे चलते। तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं बकरी का बरसात में शेड कैसा हो या फिर कैसा हम निर्माण करें। तो आइए सब इस बारे में हम डिटेल जानते हैं। अगर आपका शेड है तो ध्यान रखें कि कहीं से लीक ना हो। सबसे पहली बात तो कहीं से लीक नहीं होना मांगता है, क्योंकि पानी लीक होने से कीटाणु का बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो आप शेड की रचना अच्छी तरह से नहीं हो तो अवश्य कर लें, और भी बरसात से पहले आपको करना होगा, क्योंकि अगर कीटाणु बड़े हो तो आपके जानवर का मृत्यु होने का खतरा रहता है। चाहे कोई सा भी पशु हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कोई सा भी बकरी हो, मुर्गी हो, कोई सा भी हो, उसको सब सुथरा ज़मीन और गीला नहीं होना चाहिए उस ज़मीन को। ये सब आपको ध्यान देना है। या कोई सा भी जानवर हो, कहीं ये नहीं है कि सिर्फ आपको बरसात में ही अगर आपका फर्श गीला हो, किसी भी मौसम में गीला नहीं होना मांगता है, आपका जो फर्श गीला नहीं होना मांगता है। अगर बाय चांस गीला हो गया आपका फर्श तो आप उसका सूखने का इंतजाम करें, नहीं तो उसमें आप ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको सूखने का इंतजाम तो करना ही होगा। अगर कम है तो आप उसमें चूना छिड़क सकते हैं, छिड़क कर आपको उससे थोड़ा कीटाणु भी मरेंगे और सूखेंगे भी। और आप 5 महीना 6 महीना 4 महीना पर आप उसकी मिट्टी कम से कम 6 से 8 इंच चेंज कर सकते हैं, न्यू मिट्टी लाकर डाल दीजिए, क्योंकि जो भी उसमें कीटाणु होंगे वो आपको निकल के उसको फेंक जा सकता है। आप ये देख रहे हैं जो वीडियो एक नीचे चल रहा है छोटा सा, ये भी एक शेड है और अब इसमें बकरी नहीं है और ये टीन का बना हुआ है, चारों तरफ से टीन है, ऊपर भी टीन है, मगर टीन के नीचे आप देख सकते हो उसमें एक वुड का जो प्लाईवुड आता है वाइट वाला वो लगाया गया, क्यों कि उसमें गर्मी से बचाएगा, या फिर बरसात में देखते हो ज़्यादा बारिश होने से पानी टिपता तो उसमें आपको बचाएगा उससे। वही हम बात करते हैं, कभी भी ध्यान रखें कि बरसात में ही नहीं सालों भर ध्यान रखने की कि शेड अंदर फर्श गीला ना हो। बरसात के पानी अंदर आने से बकरियों को मूत्र में मिलकर अमोनिया वायु पैदा करता है, जिससे बकरियों के शरीर में खुजली होती है और नाक आँख में तकलीफ होती है। इसलिए शेड सूखा और साफ सुथरा होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको पॉसिबल है तो ज़मीन पर सूखा घास या धान का जो घास आता है पुआल, जिसे हम लोग देहाती लैंग्वेज बोलते हैं, नीचे डाल सकते हैं। तो आप ये जान लिए बकरी का शेड जो है, जो हाउस है, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा से गीला नहीं हो, ये सब हो। जैसे हम लोग अपने घर पर रहते हैं उस बकरी जानवर को भी रखा जाना चाहिए। ये नहीं कि कैसा भी आप जगह पर रख दिए, कैसे भी खाने पीने को दे दिए, गीला है उसमें खुर में आपको जो बकरी का खुर होता है उसमें जख्म होगा, वो सरेगा। उसके बाद से अगर गीला ज़मीन है तो उसमें कीटाणु पैदा होते हैं, मक्खी लगते हैं, ये सब चीज़ से आपको बचाना है। तो जान लीजिए साफ सफाई आदमी हो या जानवर बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं, और इसके बाद मैं बताऊँगा बकरी को बरसात में कैसे रखना है। चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।